केंद्रीय मंत्री नारायण रानी द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ किए गए अपशब्दों के प्रयोग के चलते सियासत गर्मा गई है। दोनों पक्षों की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने नारायण रानी का पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी मुख्यमंत्री का अपमान करने की भूमिका नहीं थी। केंद्रीय मंत्री नारायण रानी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी, जिस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। अब इसी मुद्दे को लेकर सियासत गर्मा चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने नारायण रानी का पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री का अपमान करने की भूमिका नहीं थी। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद ऐसा है कि उन्होंने सबको न्याय देना चाहिए, जिसमें वो विफल होते दिख रहे हैं, और इसी के चलते अपना गुस्सा निकालने की उन्होंने कोशिश की और इस पर वो जल्द ही स्पष्टीकरण देंगी। जो वक्तव्य किया है ये वक्तव्य मतलब महाराष्ट्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री माधोश्री छोड़कर बाहर ज्यादा आते नहीं है और लोगों की समस्या जानने की कोशिश होती नहीं है, इसीलिए ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इसी तरह की भावना उन्होंने रखी है और इसके बाद वो अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री का अपमान करने की भूमिका उसमें तो नहीं थी। माननीय उद्धव ठाकरे जी का अपमान करने की भूमिका उसमें तो नहीं थी। मुख्यमंत्री पद ऐसा है कि भाई उन्होंने सबको न्याय देना चाहिए, सबके लिए काम करना चाहिए, लेकिन लगातार 1.25 साल में ऐसा नहीं दिख रहा है और इसीलिए उन्होंने अपना गुस्सा उतारने की कोशिश की है, लेकिन उसके पीछे महाराष्ट्र का विकास नहीं हो रहा है ये भावना उनकी थी। और बाद में जो उन्होंने वक्तव्य किया है उसके बारे में स्पष्टीकरण होते देंगे, लेकिन उसमें माननीय उद्धव ठाकरे जी का अपमान करने की उनकी भावना तो नहीं थी। मुख्यमंत्री पद जो है वो पद ऐसा है कि वो इतना एक्टिव काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उनके मुंह से इसी तरह के शब्द निकले हैं। किसी भी राज्य के मंत्री के लिए उसका मुख्यमंत्री ही प्रथम नागरिक होता है, और अगर राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ही ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वो कहाँ तक उचित है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।